बसमिल रहीम आज का हमारा टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ मॉलिकुलर क्रिस्टल्स ऑफ इनर्ट गैसेस और इस सिलसिले में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है लेनार्ड जॉन्स पोटेंशियल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ मॉलिकुलर क्रिस्टल्स ऑफ इनर्ट गैसेस द मॉलिकुलर क्रिस्टल्स ऑफ द इनर्ट गैसेज हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड आर ट्रांसपेरेंट इंसोलेटर्स

करने की टेंडेंसी बहुत ही कम होती है वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपने नेबरिंग एटम्स के साथ आ, लूज करने की गेन करने की या शेयर करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है मेल्टिंग पॉइंट्स इनके लो होते हैं और वो ट्रांसपेरेंट इंसोलेटर्स होते हैं ड्यू टू तो कम्प्लीटली फिल्ड शेल्स दीज एटम्स हैव स्वेरिकलिट्रिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनके न्यूक्लियाई के गिरद जो इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सफेरिकली समिट्रिक होती है और सॉलिड स्टेट फॉर्म में जब ये इनर्ट uh, गैसेस को सॉलिड स्टेट में जब आप लेके आए तो वो फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल्स बनाते हैं लेकिन हीलियम थ्री एंड हीलियम फोर इसमें वो वो इसमें शामिल नहीं है इसके अलावा जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं जब वो सॉलिड फॉर्म में आती हैं तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल्स फॉर्म करती हैं तो आज का हमने जो लेक्चर डिस्कस करना है वो ऐसे क्रिस्टल्स जो ऐसे मोलिकुलर क्रिस्टल्स जो इनर्ट गैसेज से मिल बने उन मोलिकुलर क्रिस्टल्स में जो बाइंडिंग एनर्जी या कोहेसिव फोर्सेस हैं उनकी डिस्कशन जो है वो आज का हमारा मेन फोकस है कंसिडर मोलिकुलर क्रिस्टल कंसिस्टिंग ऑफ एन यू इफ यू आई जे रिप्रेजेंट्स द इंटरैक्शन एनर्जी बिटवीन द एटम्स आई जे ऑफ द क्रिस्टल दैन कोहेसिव एनर्जी ऑफ द आई एथ एटम इज गिवन बाय प्रीवियस लेक्चर से हमें पता है कि कोहेसिव एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं टू um, आइंस के दरमियान हमने कैलकुलेट की थी आई एंड जेथ आइंस के दरमियान लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ये है कि um, यहाँ पे जो एटम्स हैं वो न्यूट्रल हैं इंसुलेटर्स हैं और uh, उनके लिए हम कहेंगे कि हमने अब जो उनकी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है वो आई एथेटम और जे याथेटम के दरमियान में करनी है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा यू आई इज इक्ल टू सिगमा जे प्राइम यू आई जे एंड द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल इज़ और यू टोटल हम लिखेंगे वन बाई टू एन यू आई जैसे प्रीवियस केस में मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ एक मॉलिक्यूल में अगर एक क्रिस्टल के पास एन मॉलिक्यूल्स हैं और uh, एन ए सी एल के क्रिस्टल में जितने पॉजिटिव uh, आइंस हैं उतने ही नेगेटिव आइंस हैं तो हम वहाँ पे टोटल एनर्जी ले रहे थे एन यू आई यानी जितने आइन्स हैं उनसे हाफ टर्म्स आएंगी पोटेंशियल uh, एनर्जी के फॉर्मूले में अब यहाँ पे चूँकि हमारे पास हम ले रहे हैं एन एटम्स तो यहाँ पे हम हाफ़ एन लेंगे यानी टर्म्स जो आएंगी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स उनकी तादाद जो है वो हाफ एन होगी तो इसलिए हम यू टोटल ले रहे हैं हाफ एन यू आई जिसमें आपको पता है कि आई यू आई क्या है ये सम है एक एटम की जित उसके जितने नियरेस्ट उसके इर्द गिर्द जितने दूसरे एटम्स हैं उनके साथ उनकी जो इंटरेक्शन है एक एटम की उन सब की इंटरेक्शन का जो सम है उन in इंटरेक्शन की वजह से जो टोटल एनर्जी है दैट इज यू आई अच्छा अब यहां से देखें हाफ एन यू आई दैट इज इक्वल्स टू एन हमने ये ऊपर वाली इक्वेशन यहाँ पे यू आई की बजाय पुट कर दी एन सिग्मा जे प्राइम यू आई जे हे द फैक्टर एन बाई टू इज यूज इंस्टेड ऑफ एन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डिस्टिंग आई जे इटामिक पेयर्स विच कंट्रीब्यूट टू द इंटरेक्शन एनर्जी दी प्राइम्ड समेशन इंडिकेट्स दैट समेन इन्क्लूड्स ऑल द एटम्स एक्सेप्ट दोज विच जे इज इक्वल्स टू आई ये बार बार वही बातें जो पिछले लेक्चर में हमने रिपीट की हैं एज इन केस ऑफ आइनिक क्रिस्टल्स द इंटोरैक्शन एनर्जी यू आई जे ऑफ मॉलिकुलर क्रिस्टल इज़ ड्यू टू फॉलिंग टू टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन जैसे आइनिक क्रिस्टल्स में यू आई जे जो है वो रिपल्सिव एंड कुलम इंटोरेक्शन की वजह से एनर्जी थी यहाँ पे मोलिकुलर क्रिस्टल में जो यू आई जे एनर्जी है वो उसकी रीजन टू हैं है ए है इसमें वॉन्डर वॉल्स और लंडन इंटरक्शन एंड बी है इसमें रिपल्सिव इंटरेक्शन इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे वॉन्डर वॉल्स इंटरेक्शन द ओरिजन ऑफ वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड आपने जब वॉन्डर वॉल फोर्सेज पढ़ी हैं या वॉन्डर वॉल फोर्सेस से बनने वाले बॉन्ड्स uh, देखे हैं तो वहां पे आप वंडर वर्ल्ड इंटरेक्शन का अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन ले चुके हैं इट इज़ अ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन विच एक्जिस्ट इन टू नेबरिंग एटम्स सो एज टू प्रोड्यूस वीक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दैम एक तो ये फोर्स जो है वीक फोर्स होती है और अट्रैक्टिव नेचर की होती है और ये इस वजह से प्रोड्यूस होती है कि दो एटम्स जब डाईपोल बन जाते हैं और टेम्प्ररी डाइपोल वो बनते हैं और उनके दरम्यान फिर वीक अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होती है और इस वीक अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वनडरवाल इंटरेक्शन जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं दीज इंटरेक्शन आर ऑल्सो नोन एज डिस्पर्शन बॉन्ड्स ठीक है bonds, इनको हम डिस्पर्शन बॉन्ड्स भी वनडरवाल इंटरेक्शन को हम डिस्पर्शन बॉन्ड्स भी कहते हैं लेट पी आई बी द इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट ऑफ आई एथ एटम कॉज्ड बाई सम फ्लक्चुएशन इन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द जेथ ऐटम अगर जेथ ऐटम में थोड़ी सी चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई है यानी अगर एक साइड पे सपोज ऐटम के एक एंड पे जेथ ऐटम के एक एंड पे चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स uh, इकट्ठे हो गए हैं अगर इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पे उनकी कंसंट्रेशन हो गई है तो वो एंड इसका जीएथ एटम का क्या हो जाएगा वो नेगेटिव एंड हो जाएगा अब सात वाला जो आईएथ एटम है जीएथ एटम अपने उस फेस uh, से या अपने उस एंड uh, से जो आई एथ एटम है उसमें भी चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देगा आई एथ एटम का वो एंड जो है जो फेस कर रहा है जेए एटम को अगर जे एथ एटम का एंड जो है वो नेगेटिव है तो उस पर पार्शल नेगेटिव चार्ज आ गया है तो आई एथ एटम के उसके सामने वाले फेस पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूसरी साइड पर रिपेल हो जाएंगे इस तरह टेम्पररी तौर पे एक एंड जो है वो पार्शली ने, पार्शल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और एक एंड जो है पार्शली पॉजिटिव uh, चार्ज हो जाएगा दिस डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूसिस एन अलेक्ट्रोस्टेटिक डाइपोल फील्ड ई और इससे उनके दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा एट द सेंटर ऑफ द जियथ एटम और उसको हम लेंगे जियत एटम के सेंटर तक हुज़ मैग्नीट्यूड इन सी यूनिट अगर हम सी यूनिट यूज़ करें तो हम उसमें आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइपोल मोमेंट की वजह से प्रोड्यूस होता है उसका फार्मूला हम लेते हैं ई इज़ इक्वल टू टू पी आई ओवर आर आई जे क्यूब इसमें आर आई जे जो है ये दोनों आई एथ और जी एथ एटम के सेंटर्स से डिस्टेंस है दोनों के सेंटर्स से के दरमियान डिस्टेंस है जबकि पी आई जो है पी आई इट इज़ द डाईपोल मोमेंट इन द एथ एटम प्रोड्यूस ड्यू टू जी एथ एटम और ई e जो है इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है द फील्ड फर्दर प्रोड्यूस एंड इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट पी जे एट द जीएथ एटम ऑफ द मैग्नीट्यूड अब जियत अब अगर आईएथ एटम आ, का डाइपोल इन मोमेंट होगा तो फिर जीएथ एटम का भी डाइपोल मोमेंट होगा और जे एटम का जो डाइपोल मोमेंट है उसका मैग्नीट्यूड होगा पी जे इज इक्वल्स टू अल्फा ई इंटू कैपिटल ई इसमें अल्फा ई e क्या है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी और पी आई जो है वो डाइपोल मोमेंट है किस पे आई एथ एटम पे आर आई जे दोनों एटम्स के दरमियान डिस्टेंस है तो दीज टू डाइपोल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर इन सच अ वे एज टू तो प्रोड्यूस अट्रैक्टिव फोर्स अब ये दोनों डाइपोल जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इस तरीके से इनमें एक नेट अट्रैक्टिव फोर्स क्योंकि एक एंड नेगेटिव है एक एंड पॉजिटिव है तो दोनों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है इसमें अब देखेंगे द पोटेंशियल एनर्जी अब जब फोर्स है तो डेफिनेटली दोनों के दम पोटेंशियल एनर्जी होगी द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द अट्रैक्शन ऑफ टू डाइपोल इज गिवन बाय अब चूंकि इंट्रैक्शन अट्रैक्टिव नेचर की है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी नेगेटिव होगी तो यू अट्रैक्टिव इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू माइनस टू पी आई पी जे डिवाइडेड बाई आर आई जे क्यूब ठीक है आपको पता है कि जब डाइपोल मोमेंट्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका ये फार्मूला होता है माइनस टू पी आई पी जे इसमें आईथ एटम का डाइपोल मोमेंट एट एटम का डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय आर आई जे क्यूब इट इज इक्वल्स टू माइनस फोर अब इसमें वैल्यूज ऊपर से पी आई और इसमें पी जे की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे जो इस फार्मूले में पी जे की वैल्यू टू अल्फ़ा ई पी

ठीक है अब इसमें अगर हम अल्फा ई देखें तो आ, इसकी यहाँ पे अल्फा ई है और फिर आपके पास पी आई का स्केयर है पी आई का स्केयर तो इन दोनों की जो डाइमेंशंस हैं वो कैसे क्या बन रही हैं लेंथ लेंथ की डायमेंशन फाइव मल्टीप्लाई बाई चार्ज की डायमेंशन स्केयर तो इस लिहाज से हम अल्फ़ा ई पी आई स्केयर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं लेंथ की डायमेंशंस को आप आर नाट लिख लें और चार्ज के लिए आप ई e लिख लें स्मॉल ई e. तो ई ये बन गया चार्ज की डायमेंशन है स्केयर में तो इसलिए ई e स्केयर और लेंथ की डायमेंशन यहाँ पे फाइव है तो आप लिख सकते हैं आर नाट रेस्ट पर फाइव वेर आर नाट इज़ द डोमिक रेडियस देन दिस इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन आपकी बन जाएगी यानी आपने इसमें एल्फा ई पी आई स्केर को रिप्लेस कर दिया ई स्केयर आर नॉट रेस्ट पार फाइव से तो आपके पास अट्रैक्टिव एनर्जी बन जाएगी फोर ई स्केयर आर नॉट फाइव डिवाइडेड बाई आर आई जे सिक्स इट इज इक्वल टू माइनस टेन रेस्ट पार माइनस फिफ्टी एट डिवाइडेड बाई आर आई जे सिक्स अग्स ये सी जी एस यूनिट्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं तो इसलिए ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आ, जूल की बजाय अर्ग्स में आई है अब इसको आप लिख सकते हैं ये ऊपर कॉन्स्टेंट है तो ऊपर वाली टर्म चूंकि कांस्टेंट कॉन्स्टेंट है इसको आप लिख सकते हैं माइनस बी डिवाइड बाई आर आई जे सिक्स वेयर वी हैव यूज आर नॉट इज नियरली इक्वल टू टेन रिस्ट पर माइनस एट सेंटीमीटर एंड बी इज नियरलीवल टू टेन रिजपर Minus fifty-eight uh, centimeter six. For example, for krypton, Rij is equals to four angstrom.

वन हंड्रेड कैलविन टेम्परेचर को द सेम इज दर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द इनर्ट गैसेज तो इसका मतलब हुआ कि वन हंड्रेड कैलविन जो है अबाउट ये ही इनर्ट गैसेस का तकर तकर मेल्टिंग पॉइंट है सिंस यू अट्रेक्टिव वेरीज एज आर आई जे माइनस सिक्स इट फॉलोज दैट वॉन्डर वॉल्स इंट्रैक्शन इस शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन विच इंक्रीज रेपिडली वि डिक्रीज इन आर आई जे यानी जो ये वनडरवल इंटरेक्शन है ये जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ करता है बहुत तेज़ी से यह डिक्रीज हो जाती है इसलिए शॉर्ट रेंज एट्रैक्शन है शॉर्ट uh, रेंज में ये इसकी वैल्यू uh, बड़ी होती है लेकिन जैसे ही डिस्टेंस इन थोड़ा सा बढ़ता है तो ये फौरी तौर पर डिक्रीज़ हो जाती है अब देखते हैं दूसरी इंटरेक्शन जो कि है रिपल्सिव इंटरेक्शन एज डिस्क्राइब इन केस ऑफ आइनिक क्रिस्टल्स द रिपल्सिव इंटरेक्शन कम्स इन टू प्ले फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स वेन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ द एटम बिगिन टू ओवरलैप एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज डिस जब दो आइनिक क्रिस्टल्स में हमने देखा जब दो आइंस बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं तो बहुत ही शॉर्ट रेंज पे जो इंटरेक्शन uh, प्रोड्यूस हो जाती है वो एक का क्लाउड इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ ओवरलैप करता है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स एक, एक दूसरे को रिपेल करते हैं और वो ये रिपल्सिव इंटरेक्शन जो है ये भी एक uh, इसकी वजह से भी एनर्जी में चेंज आता है द एनर्जी ड्यू टू दिस इंटरेक्शन में बी एक्सप्रेस्ड एस पावर लॉ ऑफ टाइप यू आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट तो आर ई पी का मतलब यू रिपल्शन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिवाइड बाय आर आई जे पार एन और बाय द एक्सप्रेशन पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि यू जो रिपल्सिव इंट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है डेट इज इक्वल्स टू लेमडा ई पार माइनस आर आई जे डिवाइडेड बाई रो वे लेमडा एंड रो रिप्रजेंट्स द स्ट्रेंथ एंड रेंज ऑफ रिपल्सिव इंट्रैक्शन रिस्पेक्टिवली इन द प्रेजेंट केस वी शेल एक्सप्रेस यू रिपल्सिव बाई एन एम्पेरिकल रिलेशन ऑफ द टाइप यहाँ पे हम प्रेजेंट केस में हम इसी को चूँकि ये कॉन्स्टेंट है ऊपर वाली वैल्यू आप ले सकते हैं कि इसको हम एक एम्पेरिकल फार्मूला इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सी ओवर आर आई जे ट्वेल्व से C is a positive constant. From equation 3.3 uh, .3 and 3.31, the total interaction energy Uij between the atoms I and J of the crystal can be written as. Now, we have two interaction. Humne पड़ी हैं और उनकी वजह से अब टोटल जो इंटरेक्शन टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो दोनों एटम्स के दरमियान है वो उसकी फॉर्म क्या बन जाएगी यू आई जे इज़ इक्व टू माइनस बी ओवर आर आई जे सिक्स प्लस सी ओवर आर आई जे ट्वेल्व और इन अदर फॉर्म इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज यू आई जे इज इक्व टू फोर एपसाइलेंस सिगमा ओवर आर आई जे ट्वेल्व माइनस सिगमा ओवर आर आई जे सिक्स हेयर एफसाइलेंट एंड सिगमा आर पैरामीटर्स रिलेटेड टू बी एंड सी यानी बी और सी जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनसे रिलेटेड ये दो पैरामीटर्स हैं एक को एक हैफसाइलेंट और दूसरा है सिगमा और ये क्या है कि b को हम कह सकते हैं इट इज़ इक्वल्स टू फोर एफ्साइलन सिग्मा पार सिक्स एंड c को हम कह सकते हैं फोर एफ्साइलन सिग्मा पार ट्वेल्व b और c की ये वैल्यूज जब हम ऊपर यहाँ इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास यू आई जे की ये वैल्यू बन रही है द वैल्यूज़ ऑफ एप्साइलन एंड सिग्मा आर एम्पेरिकली डिटर्मेंट दिस इक्वेजन रिप्रजेंट्स अ पोटेंशियल नोन एज लीनार जॉन्स पोटेंशियल एंड इट इज प्लॉट इन द फिगर 3.9 इस फिगर में इसको प्लॉट किया गया है यानी ये जो इक्वेशन है यू आई जेल आर आई जे ट्वेल्व माइनस इक्वेशन को इस पोटेंशियल एनर्जी को आप लीन और जॉन पोटेंशियल भी कहते हैं तो इसको अगर हम uh, इसको यहाँ पे uh, प्लॉट किया गया है इसमें एक साइड पे आप समझ लें कि Uij और ये कांस्टेंट से कांस्टेंट uh, टर्म्स से इसको डिवाइड कर लिया गया है और यहाँ पे एक्सिस के अलोंग जो है R ओवर सिग्मा लिया गया है R ओवर सिग्मा ठीक है तो R ओवर सिग्मा लेके हम इसको ऐसे uh, कह लें कि R जो है वो डिस्टेंस कह लें अब ये uh, इसकी वैल्यूज 0.4, 0.8, 1.2, 1.6 पॉइंट हैं तो वन इस 1.8 पे आप देखें कि यू आई जे जो है ये काफ़ी हाई वैल्यू है काफ़ी हाई वैल्यू है लेकिन जैसे जैसे दो एटम्स के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है 0.8 से इंक्रीज करेगा तो ये बहुत तेज़ी से ये एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ कर रही है बहुत तेज़ी से ये एनर्जी डिक्रीज़ करती है यानी पॉइंट एट से वन पॉइंट टू के दरमियान ये बड़ी तेज़ी से जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है और पॉइंट एट पे करीबन ये मैक्सिमम है लेकिन जब डिस्टेंस बहुत ही कम है तो ये एनर्जी जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो है द ए एक्सप्रेशन फॉर लेटेस्ट एनर्जी ऑफ द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल बिकम्स अब आप इसमें से टोटल uh, एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं यू आई जे की वैल्यू आ गई अब इस यू आई जे की वैल्यू को आप यू टोटल में पुट कर दें यह वन बाई टू एन फोर एफसाइलन सिगमा जे प्राइम सिगमा ओवर आर आई जे ट्वेल्व माइनस सिगमा ओवर आर आई जे सिक्स इट मे बी नोटेड दैट द इक्वेशन हैज बी रिटर्न विदाउटरिंग द कानेटिक एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल ठीक है इसमें हम काइनेटिक एनर्जी को इग्नोर कर रहे हैं और अब हमारे पास इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके जो हमारे पास टोटल एनर्जी आ रही है टोटल एनर्जी जो पूरे लेटिस की है या पूरे क्रिस्टल की है वो एनर्जी क्या है वन बाई टू एन फोर एप्साइलन सिग्मा जे प्राइम सिग्मा ओवर पी आई जे आर रेस्ट पर ट्वेल्व माइनस सिग्मा ओवर पी आई जे आर रेस्ट पर सिक्स तो ये फार्मूला है टोटल एनर्जी का जो कि एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी है क्रिस्टल्स मॉलिकुलर क्रिस्टल्स ऑफ इनर्ड गैसेस के